अस्सलामु अलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे टमाटे का अचार। इसके साथ हम अंडों को सर्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या लगता। टमाटे ले ली मैं 3 पाव किलो, कट करके ले ली मैं। अब हम कुकर में ये टमाटे डाल देंगे, कट करके रख लिए सो। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 स्पून, नमक डाल देंगे 2 स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1/2 स्पून से भी कम। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 2 स्पून जितना। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, जितना आपको लगता। अब हम इसमें लहसुन और करियापक डाल देंगे। लहसुन ली मैं 8 से 10, हरी मिर्ची ले लेंगे 3। हरी मिर्ची को तोड़ते हुए डाल देंगे बीच में से। कोथमीर ले लेंगे थोड़ी सी। इमली ले लेंगे थोड़ी सी, अगर आप खट्टा ज़्यादा खाते तो आप अपने हिसाब से लीजिए। कुकिंग ऑयल डाल देंगे 2 स्पून। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। डेढ़ ग्लास पानी डाली मैं। पानी डालने के बाद में ये सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे हम। आप चाहे तो इसको भगोने में, दूसरे बर्तन में बना सकते हैं, लेकिन कुकर में बनाने से बहुत जल्दी हो जाता। 2 से 3 सीटी होते कि टमाटे पूरे गल जाते हैं, इसलिए मैं कुकर में डाली। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के टमाटे गलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हम अंडे उबलने के लिए रख देंगे। ये देखिए अंडे उबलने के लिए रख दी मैं। चलिए अब चेक कर लेंगे टमाटे गल गए। कुकर का ढक्कन निकाल दी मैं। ये देखिए अब हम इसको दाल घोटने की मदद से घोट लेंगे टमाटरों को। ये देखिए टमाटरों को अच्छे से घोट ली मैं। अब हम इसमें 1/2 ग्लास जितना पानी डाल देंगे। ये देखिए बराबर है इसकी कंसिस्टेंसी, ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, बराबर है ये। अब हम इसको एक उबालने तक पका लेंगे। ये देखिए एक उबाल आ गया। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम बघार के लिए पैन रख लेंगे। पैन गरम हो गया। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। बहुत झटपट बन के रेडी होता है ये। हम इसमें लहसुन डाल देंगे 8 से 10। जीरा और राया डाल देंगे। राया 1/2 स्पून, जीरा 1 स्पून डाली मैं। जब भी मेरे को जल्दी जल्दी बनाने का रहता तो मैं ये 4 को बना लेती हूँ, बहुत जल्दी हो जाता और मज़े का ही बनता। अब हम इसमें करियापक डाल देंगे।
अब हम इसमें लाल मिर्चियाँ डाल देंगे, सूखे लाल मिर्चियाँ 4। ऊपर नीचे कर लेंगे मिर्चियों को, बघार रेडी हो गया, फ्लेम को ऑफ कर देंगे हम। अब हम ये बघार में 4 को डाल देंगे। ये देखिए टमाटे का अचार रेडी हो गया, बहुत आसानी से झटपट बन के रेडी हो जाता है ये। जब भी आप टमाटों की रेसिपी बना रहे या फिर चार बना रहे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अंडों के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा दिखता। अब जो बॉईल करके रख लेते हैं हम अंडे, वो ऐड कर देंगे इसमें। तो ये थी आज की रेसिपी, टमाटों का अचार अंडों के साथ। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।